काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं फेसबुक की प्रोफाइल पर प्रोफेशनल मोड को लेकर। अब कुछ लोग का कहना है कि यार हमारे पे तो फेसबुक जो प्रोफाइल ऑप्शन था वो अब हट गया है, मतलब गायब हो चुका है, किसी किसी का आ नहीं रहा, किसी का हट चुका है। सो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको ये बताऊँगा और इसका सलूशन क्या है ये बताऊँगा। मुझे पता है कि बहुत से लोग बोलेंगे आप रिपोर्ट करने वाले हो फिर से। देखो यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपका जो फेसबुक पर जो प्रोफेशनल मोड ऑप्शन नहीं आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना वीडियो, अब कमाल का होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ पर आता हूँ मैं सिंपल, यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर क्लिक करूँगा अपने नाम पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखते हैं तो हमारे पास जो फेसबुक का जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पर प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन दिया गया है। प्रोफाइल को पेज पर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं या तो प्रोफेशनल मोड को ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इससे आपका जो पेज है वो एक तरह से प्रोफाइल है वो आपकी प्रोफेशनल नहीं दिख रही है, या फिर आप करना चाहते हो जो भी रीज़न है आपका। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी आपके फेसबुक के अकाउंट्स बने हैं या पेज बने हुए हैं तो कुछ पुराने अकाउंट्स पर यह ऑप्शन नहीं आ रहा, किसी किसी को जो नया अकाउंट बना लेता है उसको तुरंत आ जाता है। तो अगर आपका पुराना पर नहीं आ रहा, आपने बहुत चीज़ें अपनाई ट्राई कर चुके हो फिर भी नहीं आ रहा, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तरीका फिर भी अगर नहीं आता तो पहला बात तो है कि आपको नई आईडी बनानी पड़ेगी फेसबुक की, प्लस 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 आपको मोबाइल नंबर का यूज़ नहीं करना आईडी बनाते टाइम, आपको जीमेल आईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अभी जो तरीका बता रहा हूँ वो देखिए, पहली चीज़ आपके फेसबुक के प्रोफाइल पर आपकी डीपी होनी चाहिए, सेकेंड आपका बैनर भी होना चाहिए, थर्ड आपके मैक्सिमम 500 फ्रेंड्स होने चाहिए फेसबुक की आईडी पर, प्रोफाइल पर 500 फ्रेंड्स होने ही चाहिए। फोर्थ ये है कि कोई भी संगठन हो या कोई भी बड़े संगठन जो होते हैं उन पर आप जुड़े नहीं होना चाहिए। थर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डिटेल्स जो अकाउंट पर है वो सही सही मेंशन होना चाहिए, ये अगर आपने करके रखे हो पहले से। फोर्थ आप एक बार फेसबुक ऐप को अपडेट जरूर कर लेना, अगर ऐसा नहीं करते हो सकता है आप ओल्ड वर्जन का यूज़ कर रहे हो फेसबुक पर तो वहाँ से भी आपका नहीं होगा तो अपडेट करना। ये अगर आपके पास ये ऑप्शन है फिर भी आप अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अब क्या करना है ये सुनो भाई। देखो सिंपल आपको यहाँ पर बैक करते हैं हम, ठीक है ना। पहला भाई आपको सिंपल थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट क्योंकि यहाँ पर आपके में ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लेते स्क्रीनशॉट इस तरीके से। हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, बैक करना है आपको। आपको भाई सिंपल यहाँ का भी लेना है प्रोफाइल का क्योंकि आपके में पेज वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। देखो मैं ले रहा हूँ लेकिन आपके में नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस तरीके से। आपकी डीपी दिखनी चाहिए जब आप स्क्रीनशॉट लो, नाम भी दिखना चाहिए, सिंपल आपको दो काम करने हैं। तीसरा आप डॉट पर क्लिक कीजिए, आपकी जो प्रोफाइल लिंक है उसको आप कॉपी कीजिए इस तरीके से और आपको कहीं भी नोट पर। अब भाई देखो मैंने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल लिंक भी कॉपी कर दिया जो मैंने अभी कॉपी किया, ऊपर एक नोट लिखा हुआ है ध्यान से देखो, ये एक नोट है पूरा जो आपका प्रोफेशनल मोड ऑन करेगा और ये कोड कहीं मिलता नहीं, ये कोड कह सकते एक तरीके से आपने, ठीक है ना। ये आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है अपने पास और इसका टेस्ट कॉपी कर लेना है, कहीं भी बहुत सारे एप्लीकेशन आप थर्ड पार्टी तो आप देख के लिख सकते हो फिर कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपल देखो करना क्या है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया दोनों साइड के प्रोफाइल का, प्लस जहाँ ऑप्शन नहीं वहाँ का। अब आपको फिर से आपको फेसबुक पर मैं आ जाता हूँ दोबारा से, हम बैक करेंगे इस तरीके से। देखो भाई आपको एक बार फिर से आपको डॉट पर दोबारा क्लिक करना है, यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है प्रोफाइल स्टेटस, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपको ये देखना है कि जो टिक है क्या आपके में लगा है कि नहीं लगा, इस बात का ध्यान रखना, ये टिक लगाना बहुत ज़रूरी है। नीचे यहाँ पर देखो लिखा एलिजिबल टू मोनेटाइज, ये तो ऑप्शन मेरा इनेबल है तो अब आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। बैक करेंगे यहाँ पर भाई, आपको फिर से बैक करना है, यहाँ पर देखो नीचे आते हैं इस तरीके से, यहाँ पर देखो लिखा है सेटिंग एंड सपोर्ट्स, तो आपको यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट, सॉरी हेल्प एंड सपोर्ट लिखा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे देखो लिखा है क्रिएट अ प्रॉब्लम, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा कंटिन्यू टू प्रॉब्लम, इस पर क्लिक करना है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट है वो की जा रही है क्रिएट, यानी रिपोर्ट जो वो बनाई जा रही है आपकी। अब भाई देखो नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है इंक्लूड, इस पर क्लिक करना है। नीचे आते इस तरीके से बहुत ऑप्शन मिलेंगे, आपको सिर्फ क्लिक करना है कहाँ, प्रोफाइल पर, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम प्रोफाइल पर है तो नीचे आते हैं प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर लिखा अपलोड फ्रॉम फोटो, अपलोड फ्रॉम फोन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोनों स्क्रीनशॉट जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं प्रोफाइल इस तरीके से, प्लस जहाँ पर प्रोफेशनल ऑप्शन नहीं वहाँ का, डिस्क्राइब द इशू, ये वही कोड है जो मैंने आपको बताया था टेस्ट, यहाँ पर आप लोग कॉपी कर लेना,
मैं आपको एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। जब कॉपी आप पेश करना तो नीचे आपकी प्रोफाइल लिंक जरूर होनी चाहिए। मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है देख के। और आपको सिंपल यहाँ पर आके डिस्क्राइब द इशू पर इस तरीके से पेश करना है और सिंपल आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। भाई सिर्फ आपको इतना काम करना है, इतना काम करने के बाद आपका प्रोफेशनल मोड 101% ऑन कर दिया जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि जो आपकी प्रोफाइल है उस पर आपको एक्टिव रहना है, एक दो बार लॉगिन ज़रूर करना है डेली बेसिस पर, कुछ ना कुछ अपलोड करते रहिए ताकि फेसबुक को लगना चाहिए कि हाँ आप एक एक्टिवेट आपका अकाउंट, डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए, एक्टिवेट काम करते रहना चाहिए ठीक है ना। और इसके लिए भाई कम से कम 7 से 15 का टाइम लग सकता है इनेबल करने पर ये ऑप्शन। आप अगर आप इसमें अगर आपका नहीं आता तो समझिए फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपके फेसबुक पेज पर, कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई स्पैम हो सकता है आपके पेज के साथ या प्रोफाइल के साथ, आप अगर ऐसा करने पर नहीं आता तो साफ है कि आपका जो प्रोफाइल है उस पर कहीं ना कहीं स्पैमिंग चल रही है या स्पैम हो सकता है, इसलिए नहीं आ रहा है ठीक है ना। तो आपको सिंपल करने का है एक नई प्रोफेशनल आईडी बना लीजिए फेसबुक की, वो भी जीमेल आईडी से। उस पर आपको तुरंत जैसी बनाओगी आपका प्रोफेशनल मोड ऑन पहले से ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए और सुंदर वीडियो आगे भी लाऊंगा इसी चैनल पर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।